सुशांत सिंह राजपूत मामले की तलाश में जुटी सीबीआई टीम मुंबई पहुंचते ही एक्शन मोड में। शुक्रवार सुबह सीबीआई की टीम सबसे पहले सुशांत के कुक नीरज का बयान किया दर्ज गेस्ट हाउस ले जाकर वहां उनसे बीते 3 घंटों तक चली पूछताछ। साथ ही सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने भी सीबीआई से पूछताछ की है। सीबीआई ने डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से भी मुलाकात की। सीबीआई की एक टीम बागा पुलिस थाने पहुंचकर केस डायरी और दस्तावेज लिए। सुशांत का फोन भी अब सीबीआई के पास है। एक टीम सुशांत के घर पर डमी टेस्ट की तैयारी कर रही है। घर के कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्टेक्ट में उसे चाबी लेकर पहुंचने को कहा गया। सीबीआई सुशांत के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही है, लिहाजा इसको लेकर डमी टेस्ट शुक्रवार को होगा। इस बीच दोपहर बाद मुंबई पुलिस के 2 अधिकारी मुंबई पुलिस अपार्टमेंट में जाते हुए दिखे। हालांकि दोनों थोड़ी देर बाद बाहर निकल आए। वहां पर मौजूद मीडिया वालों ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सीबीआई की टीम जहां एक तरफ कुक नीरज और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से अलग अलग कर पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ डीसीपी दहिया से भी पूछताछ होगी। डीसीपी परमजीत दहिया को सुशांत सिंह के जीजा ओपी सिंह ने फरवरी महीने में मैसेज कर बताया था कि सुशांत की जान खतरे में है। हालांकि तब उन्होंने इस पर उनके लिखित शिकायत देने को कहा था। इस बीच सुशांत के अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज भी फोरेंसिक टीम के हवाले किए गए। तो ये है पूरा सच जहां पर किस तरीके से सुशांत के घर पहुंचे मुंबई पुलिस के अधिकारी और बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।